हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगासन के चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में। आपको मालूम है कि दुनिया में मैक्सिमम जो लोग हैं वो बेवकूफ कौन बनते हैं? सबसे ज्यादा बेवकूफ जो है पढ़े लिखे लोग बनते हैं। अनपढ़ गंवारों के पास तो दिमाग नहीं होता है, उन्हें तो कोई भी पहला फुसला लेता है, क्योंकि उनके पास बुद्धि विवेक नहीं होती। उन्हें सिर्फ जीने कमाने खाने की पड़ी रहती है, और अगर कोई इस चीज का लालच दे देता है या कह देता है कि आप ये रेमेडी कर लो वो कर लो, तो थोड़ा सा बहकावे में आ जाते हैं और वो अब रेमेडी शुरू कर देते हैं और उन्हें ठगा जा सकता है। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, उनके पास सब कुछ है, और समझ भी रखते हैं, दुनिया की समझ रखते हैं, लेकिन वो फिर भी में न्यूमरोलॉजी के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको मालूम है कि न्यूमरोलॉजी हो गया, ज्योतिष हो गया, लूसो ग्रिड हो गया, और फिर ये आपका वैदिक जो नंबर है जो निकालते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो ये सब क्या है? अगर आप किसी एक पैटर्न में चलोगे तो दूसरा पैटर्न मेल नहीं खाता है, और दूसरा पैटर्न मेल खाता है तो तीसरा पैटर्न मेल नहीं खाता है। ये तीनों के तीनों अलग है। अब अगर आप मान लो लूसो ग्रिड के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपका न्यूमरोलॉजी, आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपका वो चीज फिट नहीं बैठ रहा है, और अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देख रहे हैं तो फिर ये जो वैदिक नंबर जो निकालते हैं इसमें आपका कोई सेट नहीं बैठ रहा, तो आखिर आप किस नंबर से रहेंगे? सबके पैटर्न्स अलग अलग है, और फिर आप सोचते हैं कि मेरा भाग्य बदल जाए, ये बदल जाए, वो बदल जाए। देखिए, नंबर जो है सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए होता है, समझने के लिए होता है, इस संसार के खेल को, इस नंबर के खेल को समझने के लिए होता है। लेकिन उस नंबर को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे कैसे? आपको बेवकूफ बनाया जाता है ले दे करके। अगर सोच करके देखिए कि अगर नंबर इतना ही पावरफुल है, न्यूमरोलॉजी इतना ही काम करती है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ से भाग्यशाली बन जाएंगे, राजयोग को भोगेंगे, आपके पास ज्ञान बुद्धि विवेक हो जाएगा बिना कर्म किए, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ अध्ययन के, बिना रिसर्च किए, तो फिर फायदा क्या हुआ? बाकी सब लोग बेवकूफ थोड़ी ना है जो इतना स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो वो सब बेवकूफ लोग नहीं है। आप एक बार सोच करके देखिए कि नंबर जो है वो अनंत है, और नंबर के जाल में फंस जाएंगे। जो व्यक्ति न्यूमरोलॉजी के बारे में बता रहा है, लूसो ग्रिड के बारे में बता रहा है, या ज्योतिष शास्त्र के बारे में बता रहा है, तो इन लोगों को तो सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग कुछ नहीं करते हैं, बस आपके दिमाग को बूस्ट कर देते हैं, यानी आपके अंदर एनर्जी भर देते हैं, आत्मविश्वास भर देते हैं कि आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आपके भाग्य में ये है, अगर ये नहीं है तो मैं आपको ये रेमेडी बताऊंगा, वो रेमेडीज बताऊंगा। तो मैं कहता हूं कि रेमेडीज बताने वालों, सबसे पहले आप क्यों नहीं धनवान बन गए? क्यों आप इस खजाने को बांट रहे हैं? अब कहेंगे आप, यार मेरे पास है तो मैं बांट रहा हूँ। आप बांट नहीं रहे, आप दौलत के पीछे बेवकूफ बना करके लोगों को ठग रहे हैं, ठग करके आप पैसा कमा रहे हैं। नंबर सिर्फ आपको ये बताता है कि आप अपने दिमाग को कितना विकसित कर सकते हैं। और एक चीज और बताऊंगा आपको कि मान लीजिए कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं या ज्योतिष होता है, वो आपके बारे में बता रहा है, आपको कह रहा है कि आप धनवान बनेंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा, तो एक बात सोच लीजिए, वह व्यक्ति जो आपको बता रहा है आपसे वो ज्यादा जानता है, वह बहुत सारी चीजों को जानता है, उसने पढ़ रखा है, रट रखा है, आप किस तरह से आप उससे बच सकते हैं? किस तरह से बचेंगे? नहीं बच सकते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारा चीज पढ़ रखा है। अगर आप भी रिसर्च किए होते, पढ़े हुए होते, तो आप भी वही काम कर रहे होते हैं जो ये काम कर रहा है, आपका भाग्य बता रहा है नंबर के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से। तो एक बात समझ लीजिए आप, यह पूरा का पूरा जो मार्केट है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और सबसे ज्यादा जो बेवकूफ बन रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग, जिनको वेल एजुकेटेड कहा जाता है, और सबसे ज्यादा मूर्ख यही बन रहे हैं, यही तलवे घिस रहे हैं, यही अपना मतलब की शोषण करवा रहे हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से जो आम जनता है, आम जनता ठगा रही है। अगर इतना ही आपको ज्योतिष में बहुत प्रकांड पंडित विद्वान बन गए हैं, तो आप खुद अपना एक निर्माण कर लीजिए साम्राज्य का, समझ रहे हैं आप? तो मेरे भाई लोग, ये बात समझिए आप कि ज्योतिष ये सब चीजें जो गणना है, ठीक है, ये आपको मोटिवेट करता है कि आप ये कर लो, वो कर लो, आपके दिमाग को अच्छा करता है, और आप थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ हो जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका दिमाग जो है एक्टिव होता है कुछ करने के लिए। लेकिन
वास्तविकता में जब आप रिसर्च करेंगे, जब इस चीज के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, गहराई से मनन करेंगे, तो आप इसके वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे और समझने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या है। तो जिस तरह से जो ज्योतिष न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो जब आपको बता रहे हैं तो इस तरह से बता रहे हैं जैसे कि आपको पांचवी क्लास में या पहली से लेकर पांचवी क्लास का जो पढ़ाने वाला शिक्षक होता है वह कितना पढ़ा हुआ होता है, बहुत पढ़ा हुआ होता है, या यूं कहें कि बारहवीं तक वो पढ़ा हुआ होता है, यानी कि पहली से लेकर के बारहवीं तक की वो सारी चीजें पढ़ रखा है और पढ़ाना कितना है, सिर्फ पांचवी क्लास तक के बच्चों को। तो अगर पांचवी क्लास का बच्चा इंटेलिजेंट हो जाए, बहुत इंटेलिजेंट हो जाए, तो क्या वह पांचवी क्लास का बच्चा उस टीचर को हरा पाएगा, पछाड़ पाएगा? अब कह रहेगी बात तो मिरेकल की बात है कि किसी बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ही फास्ट हो किसी एक चीज में, तो बात की बात है। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं उनका क्या? तो उसी तरह से जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु शास्त्र है, ज्योतिष है, बहुत सारे जो लोग हैं जो आपको बताते हैं कि हम आपका भविष्य बदल देंगे, ये बदल देंगे, तो सबसे पहले उनको ये बोलिए कि पहले आप अपना भविष्य बदल लीजिए और आप साम्राज्य खड़ा कर लीजिए, हम आ जाएंगे। और अगर आप साम्राज्य खड़ा करना है तो आप हम लोगों की हस्त रेखाएं देख करके, डेट ऑफ बर्थ देख करके, आप खूब आइए हमारा सेमिनार अटेंड कीजिए, हमारा ये वेबिनार अटेंड कीजिए, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको ये सलाह दूंगा, वो सलाह दूंगा, आपको रेमेडीज बताऊंगा, आप ये हो जाए। तो ये सब चीजें जो है इन्हीं को करने की जरूरत है और किसी को करने की जरूरत नहीं है। और रहेगी बात कि ये सब चीजें जो है आपको सिर्फ भटकाती है, आपको अपने कर्म से भटकाती है। देखिए, बिना कर्म किए और बिना मेहनत किए आपको कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप के राजयोग हो, चाहे भाग्य योग हो, चाहे ज्योतिष योग हो। तो दोस्तों, आज जो स्थिति है वह समाज को भ्रमित करने वाली स्थिति है। लोग भ्रमित कर रहे हैं कि ये कर लो, वो कर लो, हालांकि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम होता। थोड़ा सा किताब होता है, रटी रटाई विद्या होती है, बहुत सारी चीजें लोगों के पढ़ लिए होते हैं, बस पढ़ने के बाद वैसी हरकतें कर रहे हैं। बता रहे हैं, देखो भाई मैं ज्योतिष बन गया, वास्तु शास्त्री बन गया, और जो मूर्ख लोग हैं, हाँ जी मेरा घर तो, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, समस्याएं। देखिए, मैक्सिमम लोगों के घर में समस्याएं होती ही होती है, सबको लॉस होता है, सबको हानि होता है, सबको प्रॉफिट होता है, सबके जिंदगी में दुख आता है। तो आप ये मत सोच लीजिए कि इसको करने से ये होगा, जो चीजें स्वतः होती है वह स्वतः चली जाती है। जिस तरह से ठंडी अपने समय पे आता है, गर्मी अपने समय पे आता है, बरसात अपने समय पे आता है, तो सब चीजों का अपने समय पे आता है। आपको सिर्फ इंतजार करना होता है कि बस कट जाएगा, सिचुएशन ठीक हो जाएगा, बस आप अपने कर्म अच्छे कीजिए। तो ज्योतिष और न्यूमरोलॉजिस्ट के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और जो लोग कहते हैं कि ये तो मेरे ऊपर काम कर रहा है, ये सब काम आपके ऊपर, वो कुछ चीज काम नहीं कर रही है। वो जिस तरह से आपको मेंटल प्रिपेयर करता है, वो आपको जिस तरह से आपको बूस्ट करता है, आपको मीठी गोली देता है, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए आप एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर अपने जेब को ढीला कर देते हैं और ढीला करके कहते हैं लो जी साहब आपने बहुत अच्छा बताया, आपकी वजह से ये हो रहा है। उसके बताने से नहीं होता। अगर उससे पहले अगर अपने माइंड को सही दिशा में ले जाते, आप कंसंट्रेट करते, अपने दिमाग को शांत करते, सूझबूझ पैदा करते, किताबें अच्छी पढ़ते, रिसर्च करते, उसके बारे में समझते, तो अपने आप ही आप अपने समस्याओं को हल कर लेते। ये ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, इन सब चक्करों में आप पढ़ते ही नहीं। तो आज YouTube पे बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो लोग देख देख करके पागल हुए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें क्या कर रहे हैं। तो आप अपने लेवल को बढ़ाइए, अपने बुद्धि विवेक को बढ़ाइए। आपको अगर न्यूमरोलॉजिस्ट, ज्योतिष, वास्तु, इन सब चीजों के बारे में जानना है तो आप खुद पढ़िए, खुद रिसर्च करिए, और एक स्टडी पे नहीं, कई सारे स्टडी पे रिसर्च कीजिए। रिसर्च करने के बाद आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि नहीं ये सब समझ रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आई होप कि जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझिए, छल कपट की दुनिया है, इन सब चीजों के फेर में मत पड़िए। कलयुग का प्रभाव जो है छल कपट का प्रभाव, और इसमें मैक्सिमम लोग जो है सिर्फ धन कमाने के लिए उल्टा सीधा चीजें बोलते चले जा रहे हैं और लोग वैसे करे जा रहे हैं। अभी बीच में एक वीडियो वायरल हुई थी कि हरे पेन से लिखो, लाल पेन से लिखो, काले पेन से लिखो, नीले पेन से लिखो तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आपको ये चाहिए, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक आपको मालूम ही नहीं है। वो किस कंडीशन में कह रहा है, किस कंडीशन में नहीं कह रहा है, आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो एक बात सुन लीजिए कि वह तो आपको गलत भी बता सकता है और सही भी बता सकता है, इसका डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे कि वो सही कहाँ बता रहा है, गलत कहाँ बता रहा है।
क्योंकि वह चीजें जानता है। आप किसी से कहिए भाई मेरा फ्री में भाग्य देख लो, मेरा अगर मान लो मेरा भाग्य चमक गया और नंबर शास्त्र के अनुसार अगर मैं धनवान बन गया और सक्सेसफुल हो गया तो मैं आपको वो फीस दे दूंगा जितनी आपकी फीस है। तो इस तरह से बोलेंगे करे रहे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, हम ऐसे थोड़ी ना दुकान खोल के बैठे हुए। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि वो दुकान खोल के बैठे हुए आपको ठगने के लिए और आप ठगाने के लिए जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के। जब तक इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और समाज में अवेयर रहिए।